पीछे पड़े हुए हैं, ये लीजिए ईवो की तरफ ग्रेनेड स्पैम किए जा रहे हैं। एंड ये टीम रहेगी हमारी टीम एनिग्मा। सारंग को यहां पर अभी के लिए स्ट्राइकर का किल मिला था, बट बिलीव को यहां पर मिलेगा एनिग्मा का ईवो का किल। और ये दोनों एनिग्मा के प्लेयर्स अलग अलग टीम से खेल रहे हैं। बिल्कुल इसी के साथ टीम एनिग्मा का एलिमिनेशन में देखने को मिलता है मायवी। अब यहाँ पे फाइट बचती है 4v3 की, टीम फ्यूचर स्टेशन वर्सेस टीम इंडियन टाइगर्स। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी टीम करती कैपिटलाइज। जो ओपनिंग नॉक है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। कुछ अच्छे थोड़े बस ब्रीथिंग स्पेस टीम फ्यूचर स्टेशन के पास बहुत ही ज्यादा कम है मायवी, ये जरूर से मुश्किल में उनको डाल सकता है। रौनक यहाँ पे मौजूद है, सौम्यराज वहां पे मौजूद है, साथ ही साथ गमला बॉय इंडियन टाइगर कनेक्शन यहाँ पे बना सकता है। ओके यहाँ पर अभी के लिए डॉच करने में कामयाब रहे और दैट वाज द स्मोक मायवी, दैट वाज द स्मोक। यहाँ पर पूरा मोमेंटम जो वो शिफ्ट जाता है कास्टिंग करते वक्त अगर ऐसा कुछ होता है, बट अगेन स्मोक का यहाँ पे पाथ बना रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भी कुछ बेटिंग स्ट्रेटजी है, बिकॉज जैसे ही वो स्मोक वहां पर आया तो जितना एक्साइटमेंट मेरे अंदर आया उतना एक्साइटमेंट वहां पे प्लेयर्स के अंदर भी आया, तो तुरंत वहां पे अपनी पोजीशन उन्होंने चेंज करी। तो कहीं ना कहीं जो स्मोक जिस रीजन के लिए किया गया था वो करने में कामयाब, क्लोज इन करने के लिए जाएंगे। 3v4 का सिनेरियो, ओपनिंग नॉक मायवी बहुत ज्यादा क्रूशियल यहां से। बिल्कुल, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि यहाँ पर फ्यूचर स्टेशन को बैक करना गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि आज इनका दिन है। पिछले 4 मैचेस की बात कर ले, चारों मैचेस में कंसिस्टेंट, बट ये अब ये क्या है, मैं तो पहले कुछ भी नहीं बोलने वाला, मैं तो अब ये बोलूंगा एक ट्रेवल का यूज यहाँ पर हुआ और इम्पैक्ट के बाद बताया जाएगा कि वो ग्रेनेड था या स्मोक था। कुछ स्टोरी लाइन में अपने भी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज कलर चेंज नहीं है। यहाँ पर एक और ट्रेवल का यूज होगा, दिस टाइम इट वाज अ ग्रेनेड। सौम्यराज गोस डाउन, ओपनिंग निकाल दी यहाँ पर इंडियन टाइगर्स के प्रिंस ने, पिंक दिया जो लगे नीचे, एक ही प्लेयर बचेगा फ्यूचर स्टेशन का टाइम में आता हुआ, बट 2 डेज भी बचे थे एक नॉक करने के बाद इंडियन टाइगर्स कैपिटलाइजिंग द फर्स्ट मैच।